राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के लिए सपा से समर्थित उम्मीदवार जयंत चौधरी ने जेएमटी न्यूज से बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी से हम राज्यसभा जा रहे हैं और यूपी के तमाम मुद्दों को हम सदन में रखेंगे, फिर वो युवाओं से जुड़ा मुद्दा हो, कानून व्यवस्था से, बेरोजगारी से या फिर महिलाओं से जुड़ा मुद्दा हो। जयंत चौधरी ने कहा कि अभी यूपी में बहुत कुछ होना बाकी है और हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि यूपी का विकास हो सके। वहीं योगी सरकार के बजट पर हमला बोलते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार भले ही किसानों की बात करती हो, लेकिन जिस तरह से बजट में उनके लिए व्यवस्था की गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो किसानों की शुभचिंतक नहीं है। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हैं, आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया राज्यसभा के लिए। सर, आज आपने नामांकन दाखिल किया है, नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जाएंगे? देखिए, राज्यसभा हम जाएंगे और उत्तर प्रदेश की जो जनता के मुद्दे हैं उनको रखेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ अभी होना है, बहुत संभावना है हमारे प्रदेश की। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको अपने क्षमता के अनुरूप काम मिल पाए, सम्मान मिल पाए, किसानों को उचित मूल्य मिल पाए, जमीनी विकास हो। विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने गठबंधन किया और निश्चित तौर पर जिस तरह से आप लोग के पक्ष में वोट पड़े और जिस तरह से संख्या बढ़ी है, बीजेपी भले अपनी जीत करी लेकिन जनाधार आप लोग का बढ़ा है। जनाधार बढ़ा, वोट परसेंटेज बढ़ा, कार्यकर्ता भी उत्साहित हुए, लोगों ने खूब प्रयास किए और कोई बात नहीं, हर हार से कुछ ना कुछ सबक मिलता है। हम और सीखेंगे, अपने आप को और मजबूत करेंगे और जो ज़मीन पर हर बूथ में हमारा प्रदर्शन जहां बेहतर हुआ है उसे आगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सत्र चल रहा है और बीजेपी ने अपना बजट पेश किया है, किस तरह से इस बजट को देखते हैं? सबसे बड़ा बजट बता रही है। देखिए, आम जनमानस के लिए ये खोखली घोषणाएँ होती हैं। अब बजट के सारे डॉक्यूमेंट को आप पढ़ोगे तब पता लगेगा। सरकार कह रही है कि 10,000 स्टार्टअप हम बनाएंगे, जो लखनऊ में उन्होंने पिछली बार किया था, इतना बड़ा होटल में दावत दी, घोषणाएं की कि 3-4 लाख करोड़ रुपए आएंगे, निवेश होगा, वो कहाँ हो पाया? पिछली बार जो योगी जी कह रहे थे कि नौकरी देंगे, वो नौकरी नहीं मिल पाई लोगों को। तो आज वास्तविक स्थिति ये है कि जनता कितना विश्वास करे बजट पर। कृषि पे उन्होंने जो आवंटन करना था नहीं किया, एजुकेशन पे दूसरे राज्यों की तुलना में हम पिछड़ रहे हैं और इस बजट में वो आवंटन नहीं है पर्याप्त जो मिलना चाहिए, जो संसाधन मिलने चाहिए। ग्रामीण विकास पे भी अगर आप औसतन सभी राज्यों को जोड़ के देखेंगे हम उससे कम हैं। तो ये तीनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूपी के क्या विजन है आपका फ्यूचर के लिए? अगर आप ग्रामीण विकास को तरजीह नहीं देना चाहते, अगर आप एजुकेशन पे खर्च नहीं करना चाहते, निवेश नहीं करना चाहते और एग्रीकल्चर पे सिर्फ 2.8% दे रहे हो, अब 2.8% में क्या होगा? आप राज्यसभा जाएंगे, किस तरह मुद्दे उठाएंगे यूपी के? यही सब विषय हैं। जिस तरह से क्राइम भी बहुत बढ़ता जा रहा है, लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, ये सारे विषय उठेंगे। निश्चित तौर पर साफ साफ कहना है कि राज्यसभा जाएंगे और यूपी के जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे किसानों से, चाहे कानून से जुड़े हुए, उन मुद्दों को उठाएंगे। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज लखनऊ। को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।